हाँ तो भाई, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। बड़े टाइम से कोई ब्लॉग नहीं बनाया तो आज बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे मतलब पहले टाइम नहीं मिला और बीच में मेरे पेपर स्टार्ट हो गए। अभी मैं पेपर देख के आ रहा हूँ, अभी ख़त्म नहीं हुए आज, लेकिन फिर भी सोचा कि बना लेता हूँ। तो आज सब लोग अच्छे से देखना। तो यार अभी मैं स्कूटर की सीट लगवाने जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी सारी सीट ख़राब हो गई है और हेडलाइट भी लगवानी है, क्योंकि सबको टूट चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखो सारी सीट ख़राब हो चुकी है और हेडलाइट भी फूट चुकी है। यारी हेडलाइट येरी सीट, तो अब चलते हैं ठीक पर। और पहुँच चुके हैं भैया की दुकान पर, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। येरी सीट पड़ी हुई तो होने वाली है। तो यार अभी वो क्या कहते हैं सीट लगवा के हम आ चुके हैं, ये री सीट, और इसमें एक दो मॉडिफिकेशन और कराई थी, वो बाद में दिखा दूंगा। अभी तो हम रावण लेने जा रहे हैं, तो चलो चलें। तो यार निकल चुके हैं हम रावण लेने, गर्म सीट ला रही है और वो आगे भी एक बंदा जा रहा है। अब देखते हैं, हम बस यही चाहते हैं हमें रावण का रेट अच्छा मिल जाए, और मतलब बस अच्छा रेट मिल जाए, क्योंकि आज इस बार इतने पैसे नहीं हैं, अभी पत्तियाँ कटवानी भी नहीं शुरू करी। तो यार पहुँच गए हैं रावण लेने, इधर बड़े सारे हैं, अभी अंकल से बात करते हैं। अंकल बता तो रहे हैं हमें रेट। ये देखो कुत्ता, ओए गंदे बच्चे, ये रे सारे रावण। तो यार इस वाले रावण की मूछ देखो कितनी बढ़िया लग रही है, ये देखो। तो अब 2 साल बाद हम आए हैं दशहरा पे, और ये डॉगी, मतलब 2 साल बाद ही अब दशहरा शुरू हुई है। उससे पहले तो ना रावण बने हैं ना कुछ हुआ है। ये अंकल जी से हम रावण बना रहे हैं। क्यों अंकल, आप ही बना रहे हो हमारा रावण? अच्छा बनाओगे? तो यार इधर पक्के तो हो गए हैं रावण, लेकिन एक बार रेट पक्के नहीं हुए। 17-17 हज़ार कह रहे हैं, हमें 9-10 हज़ार तक का चाहिए। बाकी रावण तो इनके बहुत बढ़िया हैं, रावण काम पक्का कर रहे हैं, लेकिन हमें रेट नहीं सही लग रहा। भैया कह रहे हैं 15 हज़ार, और हमारे पास सिर्फ बजट है 10 हज़ार तक का। तो अब दूसरी जगह चलते हैं, वहाँ पे अगर रेट हुआ तो फाइनल करेंगे आज के आज। तो यार अब दूसरी जगह देखने आया रावण, यहाँ पे भी बढ़िया है, इधर का रेट भी ठीक लग रहा है, तो पक्का करते हैं यहीं से बनवाते हैं। अब ये रहे इधर के सारे रावण, जो अरे 80% काम डन हो गया, बस रेट लग जाए थोड़ा। वैसे तो ठीक है, 3-4 हज़ार नीचे और करवा रहे हैं। भैया से रावण दिखाता हूँ, ये देखो सारे। तो यार एक बार तीसरी जगह आए हैं देखने की क्या होता है सिस्टम, क्योंकि अच्छी जगह चूज़ कर ले, मतलब देख ले रेट पे, जहाँ पे अच्छा होगा फिर वहीं पे कर देंगे। पैसों की बात तो हम कर आए हैं वैसे उधर भी, लेकिन इधर भी एक बार देखते हैं, इधर भी अच्छे हैं रावण। बात कर रहे हैं, फाइनल भी हो गया, लेकिन कल एक बार दोबारा जाएंगे और पक्की करने के लिए। बाद हम अभी पक्का तो हो गया, हमें बनाना ही बनाना है, क्योंकि 2 साल से हमने बनाया नहीं है, तो इस साल बनाएंगे। The next day. तो यार अगला दिन अभी तो मैं जा रहा हूँ वो क्या कहते हैं कुलचे लेने, फिर रावण की पर्ची भी कटवानी है, और आज स्कूटर भी ठीक कराना था, लेकिन करा नहीं पाएंगे क्योंकि वेनर्सडे और दुकानें बंद होती हैं। तो देखते हैं जो जो काम हो सकता है, रावण की पर्ची तो कटानी है और आजकल बुक भी कराना है। तो यार भटूरे में ले आया हूँ, ये देखो ये रे भटूरे। तो फटाफट पहले खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। बात ही क्या करनी है, अब तो सीधा नीचे जाना है, रावण की पर्ची कटानी है, बहुत सारे काम है। तो आगे हम नीचे रावण की पर्ची कटाने। गोलू गोलू सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अब कटाते हैं पर्ची, अभी घर भी आएगा, फिर ज़्यादा लोग होंगे तो थोड़ा दबदबा बनता है, बंदे ज़्यादा पैसों की पर्ची कटाते हैं, तो शुरू करते हैं पर्ची कटाना। तो यार पर्ची हमने कटवा ली है, अमाउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, और मूली भी आ गया है। अबे यार पागल हो, आज 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 का करने को आज का टारगेट बता कितने का पैसे होगा? मुझे क्या पता भाई, मैं थोड़ा कर रहा हूं। आज के आज इकट्ठे कर लेना कम से कम 2-3 हज़ार, ताकि हम एडवांस दें फिर अगले दिन पैसे दें। तो यार आ चुके हम नीचे, अब जा रहे हैं रावण बुक कराने। ये हमारे साथ जाएगा, इसका वैसे ये कोई बना तो नहीं रहा हमारे साथ, ये पहले मना कर चुका है, लेकिन आ गया नीचे, क्योंकि कम बनाएगा नहीं बनाएगा हमारे साथ। चलो चलें और मिलकर फोन करते हैं। तो यार पहुंच चुके हैं सेम जगह रावण, देखना बस वही बात हो जाती है, रेट जो अच्छा देगा वहां से डन कर देंगे, क्यों एकम और जितने पैसे कम पड़ेंगे वो तो एकम ही डाल देगा ना तू ले ले सर। ये देखो ये बढ़िया सारे रावण, ये रे तो यार रावण पक्का हो गया, पैसे वैसे दे दिए। तो यार फाइनली डन हो चुका है रावण का, लेकिन भैया पैसे नहीं मांग रहे। भैया सच सच बता दो कितने लोगे, कितने लोगे? 20 रुपए, हम न्यूज से हैं। तो यार फाइनली रख दिया रावण, अब घर लेके चलते हैं और तैयारी शुरू करते हैं रावण की। तो यार लेके निकल चुके हैं रावण,
मेहुल नजारे आ रहे हैं फिर ओए तेरी दा हो गया काम ओए लेफ्ट से चलो थोड़ी लेफ्ट से चलो भैया लेफ्ट रखो थोड़ी लेफ्ट रखो थोड़ी लेफ्ट रखो यार ओए ओए ये क्या निकल गया चलो 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 तार टूट गई है शायद तार टूट गई भैया एक बार साइड पे लगा लो तो यार ले आया रावण बस अनलोड हो रहा है ये देख लो अनलोड कर लेते हैं फटाफट फिर मिलते हैं तो यार ले आया रावण वो खड़ा हुआ सामने रुक जो पहना आ रहा है ले आया रावण वो खड़ा सामने देखो अब छाती भी लाना है फिर वो भी छाती भी लाएंगे घर धुड़ जो कुछ छाती लेंगे मुंह लाएंगे फिर काम शुरू कर देंगे रावण का तो यार रावण हमने रख दिया अब हमको दुआरी डाल रहा है मेरे साथ एक कम जा रहा है अभी हमारी स्कूटी भाग रही है गुरुद्वारे पहुंच के बताते हैं लोगों के रास्ते में बनाना ठीक नहीं है तो यार निकल चुके हैं गुरुद्वारे से गुरुद्वारे में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उधर अलाउड नहीं है और ये एकम कितने देर स्कूटी चला रहे हैं एकम आपके पास लाइसेंस है स्कूटी चलाते हो लाइसेंस है आपके पास चौके शक्ल दिखाओ गुड बॉय तो घर पहुंच के फोन करते हैं मतलब मिलते हैं तो यार इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में तकलीफ बाय और बहुत रात हो गई है तो गुड नाइट बाय मिलते हैं अगले ब्लॉग में बाय बाय।